धर्मशाला को पठानकोट मंडी फोरलेन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेजी गई थी जिसे मंजूरी मिल गई है। अब जल्द फोरलेन अधिकारियों से बैठक करके DPR तैयार की जाएगी। यह जानकारी धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने मैक्लोडगंज में प्रेस वार्ता में कही। विधायक ने कहा कि रोपवे के माध्यम से धर्मशाला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है। आधुनिक धर्मशाला बनने की ओर शहर अग्रसर है। धर्मशाला में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी जल्द बनेगा। इसके अतिरिक्त कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी सरकार प्रयासरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत तेजी से देश और प्रदेश के अंदर काम कर रही है, और आप देखिए कि पिछले 2 वर्षों में जिस गति से धर्मशाला के अंदर काम हुआ है, शायद ही इससे पहले इस गति से काम यहाँ पर हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर होगा तो वह सिर्फ धर्मशाला वासियों का है, धर्मशाला के लोगों का है। धर्मशाला के लोगों ने जब समय समय पर मेरे साथ अपनी बातें साझा करी, उन्होंने अपने व्यूज़ रखे, उन व्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो है धर्मशाला के लोगों के साथ मिलकर मैंने इस धर्मशाला के अंदर काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिव्य और एक आधुनिक धर्मशाला जो कि एक नई धर्मशाला बनेगी, उसमें हम लोग इसको स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। निश्चित तौर पे एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हमारा धर्मशाला बन गया है, और इसमें और भी हम लोग 4 चांद लगाने के लिए आज भी प्रयत्नशील है कि एक इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर तेज़ी से बनेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा का मंदिर ही नहीं बल्कि पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेज़ी से काम करेगा। एयरपोर्ट एक्सपेंशन को लेकर बात हो तो उसके ऊपर भी हमारी प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ विचाराधीन है, उस पर भी हमारा विषय चल रहा है। बहुत जल्दी उसके ऊपर भी काम शुरू करके हम लोग यहाँ पर बड़े प्लेन्स जिनको बोइंग्स और हम कहते हैं वो भी यहाँ पर लैंड होंगे, और इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पर लोगों को हम लोग देंगे, और छोटे से समय में एक सुंदर विश्व का सबसे खूबसूरत शहर जो है धर्मशाला बनेगा। आने वाली बात नहीं है तो दिखती बात है। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव आया तो हर जन के मुख में ये बात थी कि वह चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के लिए टिकट मांगे, पर जब अंततः चुनाव लड़ने की बारी आई तो चले गए। उसके बाद धर्मशाला का उपचुनाव हुआ, स्वाभाविक है कि वो धर्मशाला से चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उससे पहले उन्हें लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े, वहाँ से भी भागे। तो अगर उन्होंने सच में ही काम किया होता तो निश्चित तौर पर वे चुनाव लड़ते और लोग उनको जिताकर भेजते, पर उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसा नहीं होने वाला है। के चैनल के लिए धर्मशाला से शिवांशु शुक्ला की रिपोर्ट।